अभी मैं आप लोगों के सामने एक चीज बताने वाली हूं कि मैंने खुद को चैलेंज किया 30 डेज के लिए। और पता है चैलेंज क्या था? कि मैं 30 डेज के लिए चाय को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, मतलब चाय को पीऊंगी नहीं। थोड़ा अजीब है, लेकिन मैंने खुद को ये चैलेंज किया बिकॉज बहुत सालों से ऐसा चल रहा था कि मैं चाय पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई थी। सुबह उठते ही मुझे चाय चाहिए होती थी, वरना मेरा मूड फ्लक्चुएट करने लग जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा डे स्टार्ट नहीं हुआ है, और सुबह उठते ही मुझे चाय के बिना ऐसा लगता था कि अगर मैंने चाय नहीं पी है तो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। लेकिन मैंने सोचा कि ऐसा क्यों, हम अपना कंट्रोल किसी और को क्यों दें, वो भी चाय को। तो क्यों ना चैलेंज लिया जाए और देखा जाए कि आखिर चाय ना पीने से क्या होता है। मैंने 30 दिन का चैलेंज लिया और 30 दिनों तक मैंने चाय को छुआ भी नहीं। तो मेरे चैलेंज का आज पहला दिन है और मैं आज चाय नहीं पीऊँगी। मैं बस अभी वॉक कर रही हूँ, और जनरली मैं जब वॉक पे निकलती हूँ तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, लेकिन आज मैंने, क्योंकि पहला दिन था, तो मैंने चाय के बिना ही अपना वॉक शुरू किया है। और मुझे थोड़ी नींद भी आ रही है, लेकिन मैं चाय नहीं पीऊँगी। फर्स्ट डे तो ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन था और मुझे ऐसा लगा कि चाय कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने पहला दिन तो आराम से निकल गया। लेकिन जब दूसरे दिन, जब उसी टाइम पे जिस टाइम पे मैं हमेशा चाय पीती हूँ, उस टाइम को पार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि जितना मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, उतना ही ज़्यादा मेरा मन कर रहा था चाय पीने का। और धीरे धीरे करके जब एक बार मैंने एक हफ्ता पार कर लिया, तो उसके बाद मेरे लिए बहुत आसान था, क्योंकि वो जो एक टाइम है जिस टाइम पर मैं चाय पीती हूँ, उस जगह पर मैंने अपने आप को कुछ और दिया। क्या दिया दिखाती हूँ। तो अभी सुबह हो चुकी है और मेरा ये वो वाला टाइम है जिस टाइम पे मैं चाय पीती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने चाय का सब्स्टिट्यूट कैसे निकाला है, जो कि मेरी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और मुझे चाय की कमी महसूस भी नहीं होने देता है। तो इसके अंदर जो मैं चीज़ें डाल रही हूँ वो है, ये सबसे पहले एक कप बड़ा वाला कप लेके पानी, और जैसे कि और इसके अंदर मैं डालती हूँ ये काली मिर्च। तो मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ 2 दाने डालूंगी काली मिर्च। घर में शहद है, मैं इसके अंदर डालती हूँ, और मैं इसके अंदर थोड़ा सा नींबू डालती हूँ। तो ये है वो जिसे मैं इसमें डालती हूँ, ग्रीन टी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी उबल रहा है। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी ये चाय की पत्ती डाल दूंगी इस तरह से, और गैस को तुरंत बंद कर दूंगी। ये है मेरी ग्रीन टी जिसमें मैंने जिंजर, लेमन और काली मिर्च डाला हुआ है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग चाय पीते हैं, तो हमारी मसल मेमोरी क्रिएट होती है। जब हम कोई भी गर्म चीज़ पीते हैं और वो भी सिप लेते हैं, मतलब हमें सुड़सुड़ करने की आदत पड़ जाती है कि हम कोई गर्म चीज़ पी रहे हैं, तो वो हमारी एक मेमोरी में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाता है। अब कोई काम अगर हम बचपन से करते आ रहे हैं, तो हमारे दिमाग को उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। और ये तो हम सबको पता है कि चाय के अंदर कैफीन होता है, जो कि हमारी दिमाग को बहुत ज़्यादा एडिक्ट करता है, मतलब हमें उसकी आदत पड़ जाती है, या यूँ कहें कि हमें उसकी लत लग जाती है। और अगर आप इस चीज़ को बदलना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। उसकी जगह पर आप चाय की पत्ती और दूध डालने की जगह, या उसमें बहुत सारी चीनी डालने की जगह, आप उसे हेल्दी सब्स्टिट्यूट से चेंज कर सकते हैं। यानी कि आप गर्म पानी में अदरक डाल के, सौंफ डाल के, जीरा डाल के, जो भी जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं वो आप बना सकते हैं, और उसके बाद सेम वही फीलिंग अपने माइंड को दे सकते हैं। तो आपके माइंड को ऐसा लगेगा कि आप चाय पी रहे हैं, लेकिन आप कुछ हेल्दी पी रहे होंगे, जिससे कि आपको नुकसान नहीं होगा। मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं चाय पीती थी, जिस टाइम मैं चाय पी रही होती थी, चाय के आखिरी घूंट तक मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो जो एक अदरक का फ्लेवर और इलायची की खुशबू जब नाक में जाती है और जब आप चाय पीते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन चाय पीने के तुरंत बाद ही मुझे ऐसा फील होता था जैसे कि मेरे पेट में कुछ हो रहा है,
और मैंने ये महसूस किया कि चाय से मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती थी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और दिन भर में 4-5 चाय भी पी लेते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सही तरीका मुझे यही लगा कि मैं अब चाय नहीं पीऊँगी। एक बार अगर खुद के दिमाग को हम कंट्रोल कर लें, अपनी हैबिट को अगर हम सही तरीके से बना लें, तो फिर हम अपनी हर किसी बुरी आदत कह लें या फिर किसी भी तरह की कोई लत होती है उसे हम दूर कर सकते हैं। और ये मैंने भी किया और मुझे बहुत मज़ा आया। ये जो 30 डेज का चैलेंज मैंने लिया उससे मुझे ये ज़रूर महसूस हुआ कि हाँ, थोड़ी सी मुश्किलें आई, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन फाइनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और फाइनली मैं चाय के एडिक्शन से दूर हो चुकी हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है मेरी लाइफ में। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की लत लग गई है, वो चाय हो सकती है, कॉफ़ी हो सकती है, या फिर सिगरेट्स हो सकती हैं, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बिना आपको ऐसा लगता है कि आपका दिन अधूरा है, तो आपको उसकी जगह पर कुछ और हैबिट ट्राई करनी चाहिए जो कि हेल्दी हो, जो आपको मोटिवेट करे और जिससे आपकी लाइफ में आपको ऐसा ना फील हो कि आप किसी चीज़ के अंदर उलझ गए हैं, बंध गए हैं। तो बस यही कहना था मुझे। तो आपको पता है ना फाइनली आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ जो बेल बनी होती है ना घंटी, उसे बजा देना है। ये सब कुछ फ्री है, पैसे नहीं लगते हैं।